भारत के अंदर DRDO एक ऐसी संस्था है जिसे चीन की खुफिया एजेंसियां सतर्क रहती हैं। चुनौतियों से निपटने में भारत कभी भी पीछे नहीं रहा है। देश की कोई भी आर्म फोर्सेस हो या डिफेंस साइंटिस्ट हो, विश्व स्तरीय संसाधनों का विकास कर रहे हैं। दुर्गा 2 एक ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में चीन हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता है, पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता है, बाकी दुनिया के और तमाम देश अमेरिका की खुफिया एजेंसियां जो दुर्गा 2 पे कमेंट करती हैं उनकी सारी बात अलग है। लेकिन दुर्गा 2 एक्चुअल में है क्या? दुर्गा 2 पलक झपकते ही ड्रोन का खात्मा कर देगी। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी मेरे हिसाब से, जम्मू कश्मीर में ड्रोन अटैक कर दिया तो भारत को कमजोरी मालूम चल गई कि ड्रोन की कमी है। अब पाकिस्तान और चाइना अब दोनों पे भारी पड़ रहा है क्योंकि भारत ने ड्रोन तकनीक बहुत अच्छी और मजबूत कर ली है। ये मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसमें चाइना का प्लान लीक हो गया। हालांकि भारत की इससे मजबूती हुई है। आतंकी हो या देश के दुश्मन, उनके किसी भी हमले से क्या घबराना। भारत के रक्षा वैज्ञानिक हर चुनौती और खतरों को समझकर अनुसंधान अपने अपने प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO के वैज्ञानिक भी दुर्गा 2 का परियोजना में एकदम व्यस्त हैं। इसमें कोई भी कहीं पे भी इक्वलेंस नहीं छोड़ना चाहते हैं, कहीं से भी कोई कमी रह जाए। जल्द ही इसके ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद भी है। रक्षा वैज्ञानिक बताते हैं कि दुर्गा 2 के ऑपरेशनल होने के बाद भारत किसी भी ड्रोन को पलक झपकते ही न केवल खोज लेगा बल्कि मार भी गिरा सकता है। और रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि देश में प्रधानमंत्री और अन्य विशिष्ट VIP को भी बहुत छोटे आकार के ड्रोन जैसे हमलों से बचाने की क्षमता भी विकसित की जा रही है। विशिष्ट व्यक्तियों को ड्रोन से बचाने की क्षमता पहले से ही इसमें है। अगर काली परियोजना जो भी काली प्रोजेक्ट चल रहा है DRDO का, वो भी ऑन गोइंग है, साथ ही प्रोजेक्ट है। लेकिन इसकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि सीमा पार की घुसपैठ हरकतों को लेकर देश के वैज्ञानिक भी सतर्क हैं और उन्हें निस्तेनाबूद करने की प्रणाली विकसित कर रहे हैं। दुर्गा 2 परियोजना देश की एक ऐसी विशिष्ट और गोपनीय योजना है जिसके चलते दुश्मन कांपना चालू कर चुका है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है। ये कैसे प्रहार करेगी, इसके कुछ रिपोर्ट्स आई हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह लेजर तकनीक पर आधारित तंत्र होगा। 100 किलोवाट की क्षमता वाले इस प्रणाली से लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही हवा में नष्ट किया जा सकता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर बीजिंग से ये उड़ता है तो बीच में ही उधर ही चाइना की तरफ ही इसको संजगाएं प्रांत की तरफ या गोभी के मरुस्थल के साइड इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। इसमें इतनी तकनीक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गा 2 में दुश्मन के ड्रोन को खोजना और उसे पहचानना तथा लक्ष्य पर उसे लेकर कई हिस्सों में उसको बांट के मारना, हिस्सों में भेदने की क्षमता बहुत ही बेहतर है। यह प्रणाली एक बारे में कई लक्ष्यों को पहचानने और उसे लेजर ऊर्जा के सहारे नष्ट भी कर सकती है। हर चुनौती का जवाब भारत के DRDO के पास है। ये खुली में ओपन चैलेंज दे रहा हूँ पाकिस्तान और चाइना को, क्योंकि भारत अब चुप होने वालों देशों में से नहीं है। भारत अब ऐसा नहीं कि आप भारत के जवानों को मार के चले जाएंगे और भारत कुछ नहीं कहेगा, भारत आपसे टॉक करेगा। अब ऐसा वो भारत नहीं है। आप ईंट फेंकेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से आपको मिलना ही मिलना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सुरक्षा, 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे समारोह की सुरक्षा को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी गंभीर हैं। माना जा रहा है कि इसके लिए लेजर आधारित हथियारों की तकनीक अपनाई जा सकती है। कुछ ना कुछ नया अगर होता है हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट में तो ये काफ़ी बेहतर होगा। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये तकनीक और सुरक्षा प्रणाली पूरी तरीके से देशी होगी या फिर इसे कोई किसी सहयोगी देश की सहायता से तैयार किया जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि इस तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ज़रूर ली जाएगी। इस दुर्गा 2 जो कि भारत का इतना तगड़ा हथियार है जिसे अभी वो मार्केट में आप गूगल करके देख लीजिए, उसके बारे में शायद ही कुछ स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगी। उस प्रोजेक्ट से चीन और अमेरिका की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों ने अपने अपने ब्यूरोज में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चालू कर दिया है। भारत के बारे में अब दूसरे देशों में चर्चा होने चालू हो गई है। इस पे आपका क्या मानना है? DRDO के दुर्गा 2 प्रोजेक्ट्स में, और DRDO देश की जैसी रक्षा करता है, बहुत भयंकर भयंकर प्रोजेक्ट लेकर आता है जिससे काफ़ी देश को इंपॉर्टेंस मिलती है इंटरनेशनल पैसिफिक में, इस पे आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।